प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय, एक कर्बे मुसलसल है, इसकी सजा दे तो किसे दें, मक्तल में हैं, जीने की दुआ दे तो किसे दें। जेठमलानी साहब की मृत्यु जब हुई बहुत दुख हुआ, आज और दुख हुआ कि हम राष्ट्रीय जनता दल कैटेगरी से अदर्स कैटेगरी में आ गए, 5 से 4। न जाने ये व्यवस्थाएं क्यों बनी हैं सर, क्योंकि आंकड़ों से ही विजडम अगर पता होता तो सर आंकड़े वाले कहीं से कहीं पहुंच गए होते, जिनके पास आंकड़े नहीं हैं उनके पास भी कहने को बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं बहुत पीड़ा के साथ सर कह रहा हूं, और मैं तमाम अपने साथियों का, आपको माननीय सभापति जी को, प्रधानमंत्री जी को, LOP को, और जो 40-42 लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, उन 40-42 लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। जो नहीं हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि गरिमा 250वें की गरिमा आज तार तार हुई है, ये मैं साफ तौर पर रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ। सर मैं छोटी एक मिनट लूँगा। 28 जुलाई 1947 को बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था, RK सिधवा जी ने कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मत बोलो, कांग्रेस बोलो, क्योंकि आजादी का इतिहास कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी तो इसको कांग्रेस कहो। लेकिन कांग्रेस के ही लोगों ने कहा यह उचित नहीं है, हम उस नाम को नहीं देंगे। ताहिर साहब कहते हैं, मोहम्मद ताहिर थे एक सदस्य, उन्होंने कहा कि दूसरे सदन की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे थे सिवन लाल सक्सेना जी, वो भी कह रहे थे करे ये तो चलने ही नहीं देगा, लोअर हाउस को क्यों चाह रहे हो अपर हाउस। फिर नजीरुद्दीन अहमद थे, उन्होंने कहा जरूरत है, एक बहुत ही वाइटैलिटी वाला हाउस है, जो उन्होंने लोकसभा को कहा, और एक कहा एलिमेंट ऑफ सोबराइटी एंड कामनेस जो हम में है, उसका थोड़ा अभाव इन दिनों दिखता है। एन गोपाल स्वामी अयंगार ने पूरे डिबेट को 28 जुलाई 1947 को, यानी आजादी से 18 दिन पूर्व सेटल किया। उन्होंने कहा कि पैशन में लोअर हाउस कई दफा एक्ट करता है, और बीते 50-60 वर्षों में हमने ये देखा है सर, इस हाउस की सबसे बड़ी खूबी है कि ये पैशन में नहीं जाता है, ये रुक करके बात करता है। मैं समझता हूं कि हमें उन व्यवस्थाओं की अभी भी जरूरत है सर। हमें यह समझना होगा सर, अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ मेजॉरिटेरियन पार्लियामेंट। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, सर एक मिनट दीजिए, मेरा उधर उस संवाद में भी वक्त गया था सर, सर इतनी तो मैंने आज अपील की है, एक मिनट दे दीजिए। आप बात, वैसे भी आज आदर्श में आ गया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास बहुत ह्यूज मेजॉरिटी थी सर, इवन ही कुड हैव डेवलप्ड द टेम्पटेशन टू अशर इन अ मेजॉरिटेरियन पार्लियामेंट। सर सर ये नहीं होना चाहिए। मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से, तमाम साथियों से, कि कई दफा आपको यह सोचना होगा कि आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हो सकता हम जैसे छोटे दल सर, क्षेत्रीय दल, हो सकता जब हम आपको आगाह करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बात रहती होगी सर। सर एक तो गेट कीपर ऑफ फेडरल रिलेशनशिप, जिसका सरकारिया कमीशन ने भी सर 87 में जिक्र किया, आवश्यकता इस बात की है सर कि हम ये तय करें कि हम उन संवादों को पुनर्स्थापित करें जो खो गए हैं। अक्सर क्या होता है, अच्छा ठीक है मेरी मेजॉरिटी है, वोटिंग करवा लो। आप वोटिंग में जीत रहे हैं, आप जीत जाएंगे, नंबर्स आर विथ यू, बट दैट डज नॉट मीन द विजडम इज सोली विथ यू। इसलिए इस हाउस की गरिमा के मद्देनजर मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि हमारी पूरी कोशिश हो कि हम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देख रहे हैं सर, लेजिस्लेटिव और डेलिबरेटिव में उन्होंने डेलिबरेटिव को बहुत तवज्जो दी, कहा कि बैलेंसिंग का भी काम करना है, काउंसलिंग का काम करना है, लेजिस्लेशन करना है और डेलिबरेशन करना है। विद दीज वर्ड्स सर आई थैंक यू फॉर एक्सीडिंग माई टाइम लिमिट एंड थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।